हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आप सभी को जय श्री राधे। और आज है सैटरडे और आज है शरद पूर्णिमा, तो आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो सभी के घर में खीर बनेगी क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनती है सबके यहाँ पे। कई लोग व्रत भी रहते हैं, तो मैं तो नहीं हूँ व्रत। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का और अभी हम बाहर हैं गार्डन में। और आशु हर्षु को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खा ले, लेकिन वो खा नहीं रहा, इतना शैतान है। और अभी मैं चाय बना के लाई हूँ। चाय एंजॉय करेंगे बाहर बैठकर, थोड़ा बहुत धूप भी जरूरी है, विटामिन डी जिससे मिलता है हमें। कितना खाया ये ना दे, कुछ भी खिलाओ उसे तो खाएगा नहीं, उसे आइटम चाहिए। पहले गठिया खिलाया, वो नहीं खा रहा, थोड़ा खाया उसने, अब ओट्स खिला रहे हैं तो वो भी नहीं खाना है। पहले तो ही ऐसे ऐसे गर्दन करना शुरू करे, कुछ भी नहीं खाता है। इतने मतलब इतने बच्चे 7-8 मंथ के काफ़ी कुछ खा लेते हैं, लेकिन इसने पहले से तो थोड़ा बहुत खाता भी था, लेकिन अब उसने टोटली बंद कर दिया, कुछ खाता ही नहीं। इसकी तबीयत जब से थोड़ा चलती है तो कुछ पसंद ही नहीं आता है उसको, खाता ही नहीं है, खाता है बस। और दूध पिलाने की कोशिश करते हैं गाय का कि उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह में कुछ भी हो कि कुछ पी ले, लेकिन वो नहीं पीता है। मैंने तो सुबह से चने खा लिए थे, फिर चने कच्चे चने से मैंने इनको बॉईल किया हुआ है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉईल किया है, मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। सोचते सोचते हर शनिवार इतवार निकल जा रहे हैं, कुछ धनिया वगैरह लगा दें, और लगा ही नहीं पा रहे, ऐसे डला हुआ है। सारे ब्लैंकेट और गद्दा तकिया सब हमें धूप में डालना है, लेकिन धूप में भी नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन मैं अभी पिलोज लेकर आऊंगी, धूप में डाल दूंगी, थोड़ा सा सूख जाएंगे, नहीं तो जहाँ थोड़ा ठंड शुरू हो जाएगी धूप इतनी मुलायम हो जाती है ना कि वो लगती नहीं है फिर, बट उसमें सामानों में। तो आज बना रही हूँ मैं मेथी की भाजी, और इस सीज़न की ये पहली भाजी है जो मैं बना रही हूँ। तो क्या आप लोगों ने अभी तक मेथी की भाजी बना ली क्या? वैसे तो पहले सीज़न में ही चीज़ें आती थी, लेकिन आजकल तो हर मौसम में हर सब्ज़ी फल मिल जाते हैं। तो आज बन रहा है मेथी और आलू और दाल एंड राइस, तो जल्दी से बना लेते हैं लंच। तो आज हमसे मिलने कौन आया है देखिए, ये जो हमारी भाभी है जो मसाज करने आती थी मेरी और बेबी की, उनकी दोनों बेटियां हैं ये, प्रिंसी नैंसी। मैं हमेशा इनके नामों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो तुम लोग किस लिए आए थे यहाँ? हम लोग कार्ड दिखाने के लिए आए थे, हॉस्पिटल। अभी बोल रहे हैं सैटरडे संडे छुट्टी रहती है डॉक्टर्स की, मंडे को मिलेंगे डॉक्टर, है ना? तुम्हारा कान दुख रहा है? अभी दबी दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा, सुबह हो रहा था। क्या रहता है कि डॉक्टर्स मना करते हैं कान में ऑयल डालने के लिए, लकड़ी वगैरह डालने के लिए, तो अपन मानते नहीं है तो भुगतना भी अपन को ही पड़ेगा ना। चलो चाहते हैं, क्या हुआ इन बच्चियों के लिए चाय, तो इनको भी थोड़ा ठीक लगेगा और थोड़ा सा बातें आते हो जाएंगी, है ना? और खाना तो बन ही रहा है, साथ में मेरा काम भी होता जाएगा। पूरा शाम का टाइम और शाम की बज रहे 6:30, और इस बच्चे ने मुझे बहुत परेशान कर लिया है। इनके पापा भी अभी तक नहीं आए हैं, सारे खिलौने मैं 4 बार समेट के रख चुकी हूँ, लेकिन सब फैला देते हैं। अभी रो रहा है, देखो गलती करेंगे और फिर रोएंगे, ये देखिए।
अभी घुटने के बल आ जाते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, सरक सरक के पेट के बल जरूर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इसकी टोकरी है, मैं इसमें इसके सारे खिलौने रख देती हूँ। ये पूरे टाइम फैलाता रहता है और मैं समेट समेट के इसमें भर के रखती रहती हूँ। और देखिए बिस्तर का हाल, क्योंकि ये यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं और दूसरे कमरे में भी रहते हैं। आजो 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 आजो, हाँ आजो। बढ़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बढ़ नहीं पाता है। वायरल इतना ज्यादा फैला हुआ है ना कि जिसको देखो उसको सर्दी खांसी फीवर, इसको ये काफी ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद हम एक दिन जब माता जी देखने गए थे, मैंने इसको ढांक के रखा था, इसके कान दबा के रखे थे, उसके बाद भी इसको फिर से सर्दी हो गई है हल्की हल्की। इस तो फिर वही स्टीम दिला रहे हैं और जो ऑयल बनाया था मैंने लहसुन अजवाइन वाला और लौंग वाला, वो तेल यूज कर रही हूँ। मतलब रक्षाबंधन के बाद से इसको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मतलब प्रॉपर ठीक नहीं होता अगर दो तीन दिन। ये देखिए मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है रक्षाबंधन के बाद से। दो दिन सही रहेगा तो चार दिन बीमार रहेगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझसे ज्यादा तो वो बेचारा परेशान हो गया, दुबला हो गया एकदम से। एक तो खाता भी नहीं है ये, बस फीड पे रहता है कि थोड़ा सा खाए अच्छे से। दूसरे बच्चे इतना खाते हैं लेकिन नहीं, अपने बच्चों को कभी भी दूसरों के बच्चों से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बात तो है। क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की जो कैपेसिटी होती है और क्वालिटीज होती हैं सब अलग होती हैं। तो कभी भी अपने बच्चे को कभी किसी दूसरे के बच्चे से या दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लोगों की आदत मैंने देखी है कि वो ये कहेंगे, अरे आपका बच्चा भी खाता नहीं है, आपका बच्चा भी बैठ नहीं पाता है, हमारा बच्चा तो ऐसा और वैसा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो सुन के थोड़ा सा बुरा भी लगता है और उसके बाद सब बच्चे अलग होते हैं, भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबके फेस अलग है, चेहरे अलग हैं कि पहचान पाए एक दूसरे को। और जब उन्होंने भगवान जी ने अलग बनाया है सबको, तो सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कितना भी उन्हें समझा दो लेकिन उनकी टोकने की आदत खत्म नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोगों की आदत ही होती है, अब क्या कर सकते हैं उनका। तो इस टाइम पे, और आज मैं मॉर्निंग में सुबह के घर गई थी, दो तीन दिन से इसकी वजह से जाना नहीं हो पाता है, तो वो आज गई तो मुझे पता लगा कि उसकी भी तबीयत सही नहीं है। दोनों बच्चों की तो पहले ही ठीक नहीं थी और उसकी भी ठीक नहीं है, उसको ड्रिप वगैरह लग रही है। अचानक से क्या का क्या हो जाता है, अच्छे खासा बैठे। और अभी करवा चौथ आने वाला है तो बस उसकी तैयारी। मेरा तो पिछली बार का करवा चौथ ऐसा था कि ये पिट्टू में था उस टाइम पे, तो फिर भी काफी कुछ मैंने कर लिया था, तैयार वगैरह भी हो गई थी। इस बार तो कुछ भी तैयारी नहीं करी है, इवन साड़ी भी नहीं ली है मैंने। अभी जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, उसकी तबीयत तो खराब रहती है, तो बस इसी में लगे रहो। तो काफी सारी साड़ियां न्यू रखी हैं जो मैंने पहनी नहीं है, तो मैं तो वही पहन लूंगी बस। अब बच्चा पहले पाल लूं, उसके बाद अपने शौक देखूं, यही हो गया है अब तो सच में। और इसके पापा अभी तक नहीं आए, कॉल आया था कि आने वाले हैं तो आए नहीं है। जब वो आ जाएंगे तब मैं बनाऊंगी चाय, और डिनर का सोच रही हूँ कि आज वैसे मॉर्निंग में मैंने वही मेथी आलू और दाल राइस रोटी बनाया था, तो वही थोड़ा सा रखा हुआ है और मुझे लगता नहीं बनाना पड़ेगा, तो अच्छा ही है, खाना नहीं बनाना पड़ेगा तो बच्चों को ये संभालेंगे। थोड़ा सा मैं ना कुछ घर का काम कर लूंगी। करवा चौथ भी आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, साफ सफाई दुनिया भर का काम रहता है, मेरा तो हर चीज लेट लपाट ही चलता है। कितना भी कोशिश कर लूं मैं जल्दी जल्दी काम करने की, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मुझमें भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। आज है शरद पूर्णिमा, तो वो खोए के लड्डू जो बनते हैं, मेरी मम्मी व्रत रहती थी, घर में भी रहते हैं और मैं नहीं रहती हूँ व्रत, और क्योंकि इतने सारे व्रत है जो मेन है वो रख लेती हूँ, जब भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं देखूंगी। फिलहाल जितने अभी रह पा रही हूँ वही बहुत है मेरे लिए। तो बस आज बनेगी शाम को, अभी हाँ
याद आया मुझे तो खीर बनानी है, आज खीर बनाएंगे। और रात में कहते हैं कि उसको चलनी से ढांक के और खुले में रख देते हैं, तो जो कहते हैं आज अमृत बरसता है तो उस पे अमृत आ जाएगा खीर पे, ऐसा लॉजिक है, हमेशा से बोलते आ रहे हैं ऐसा। तो हमारे यहाँ तो हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है, तो बस आज मैं बनाऊंगी अभी थोड़ी देर से खीर, फिर उसको रात में रख देंगे। और हाँ, चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, तो आज 11:30 बजे से चंद्र ग्रहण है, 2:30 बजे तक है, तो फिर तो अच्छा ही है कि रात का टाइम रहेगा तो अपन उतने टाइम तो सो ही जाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं है बाहर निकलने का। तो बस जा रही हूँ, तो खीर बना लेती हूँ, जिसको थोड़ा सा लिटा देती हूँ अगर खेलेगा तो। आज का ब्लॉग यहीं तक का, बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और आप लोग देख लेते हैं ब्लॉग्स लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत मेहनत लगती है 5-10 मिनट का छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कमेंट करिए, अरे इमोजीज ही भेज दीजिए अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है ना, कितना बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद एडिट वगैरह करने में 3-4 घंटे चले जाते हैं, आप समझ सकते हैं छोटे बच्चे के साथ कितना प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, प्लीज ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, गुड नाइट, बाय बाय।